Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone, today we will work in two subjects, first in Hindi and second in Maths. We will start with Hindi and students, this is your Hindi writing book, Swar Sulekhan. बच्चों आज हम टू सब्जेक्ट्स में वर्क करेंगे. पहले हम हिंदी में वर्क करेंगे और उसके बाद हम मैथ्स में वर्क करेंगे. और ये आपकी हिंदी की राइटिंग बुक है जिसका नाम है स्वर सुलेखन. तो चलिए शुरू करते हैं. एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 2 और अब हम आपकी हिंदी की राइटिंग बुक के पेज नंबर 2 पर हैं. तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 2 निकालेंगे. एंड आर टूडेज टॉपिक इज हिंदी वर्णमाला. आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की वर्णमाला. राइट स्टूडेंट्स, तो आज हमें हिंदी की वर्णमाला में वर्क करना है. हिंदी की वर्णमाला में क्या क्या चीजें होती हैं? हिंदी की वर्णमाला में होते हैं स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त वर्ण. राइट, तो सबसे पहले हम आते हैं स्वर पर. ठीक है, स्वर किसे बोलते हैं? स्वर बोलते हैं अ से अह तक के अक्षरों को स्वर बोलते हैं. राइट, किसे बोलते हैं स्वर? अ से अह तक के अक्षरों को. ठीक है, अब स्वर जो होते हैं उनकी मात्राएं लगाई जाती हैं, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा. ठीक है, तो स्वर बोलते हैं अ से अह तक के अक्षरों को. उसके बाद व्यंजन, व्यंजन बोलते हैं क से ह तक के, क से कबूतर से लेके ह से हल तक के जो अक्षर होते हैं उनको बोलते हैं व्यंजन. ठीक है, ये जो अक्षर होते हैं ये वो होते हैं जिन पे की मात्राएं लगाई जाती हैं, जैसे क पे आ की मात्रा लगेगी तो वो बन जाता है का. राइट, तो व्यंजन क से लेके ह तक के अक्षरों को बोलते हैं व्यंजन. उसके बाद नीचे यहाँ पर संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिलकर बनते हैं, उन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन. ठीक है ना, जो दो या दो से अधिक व्यंजन, जैसे जो ऊपर है क ख ग घ च छ ज, इनको दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिलाकर जो अक्षर बनते हैं उनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन. और उसके अलावा अतिरिक्त वर्ण, अतिरिक्त वर्ण कौन से होते हैं? अतिरिक्त वर्ण होते हैं ड और ढ. ठीक है, अब जब ड से डमरू के नीचे बिंदी लगती है तो वो बन जाता है अण, और ढ से ढक्कन के नीचे बिंदी लग जाती है तो बन जाता है ढ़. ठीक है, तो ये दोनों जो अक्षर होते हैं ये होते हैं अतिरिक्त वर्ण. तो चलिए इसमें हमें क्या एक्सरसाइज दी गई है इसको आज हम अपनी बुक में करते हैं. तो सबसे पहले ऊपर देखेंगे आओ दोहराएं. ठीक है ना, आपने जूनियर केजी क्लास में स्वर व्यंजन ये किए हैं, उसके अलावा दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर के शब्द भी किए हैं. तो आगे बढ़ने से पहले, सीनियर केजी की जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं उनको करने से पहले एक बार हम इनका रिवीजन करेंगे. तो सबसे पहले खाली स्थान भरकर वर्णमाला पूरी कीजिए. अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, जैसे स्वर दिया है, अ से अह तक के जो अक्षर दिए हैं उसमें क्या है, बीच बीच में आपको खाली जगह दी गई है. तो आपको क्या करना है, जहां पर खाली जगह है वहां पे सही अक्षर लिखना है. तो सबसे पहले है स्वर, अ से अह तक के अक्षर. ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम, सबसे पहले अ लिखा है, अ के बाद क्या आता है, आ, है ना, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिया गया, तो हमें अपनी बुक में यहाँ पर लिखना है आ. अब ये ध्यान रखेंगे जो बीच की थ्री लाइंस हैं ब्लू वाली उसमें आपको लिखना है साफ साफ हैंड राइटिंग में आ. राइट, ये लिख दिया हमने आ. आ के बाद क्या आता है, ई, है ना, ये हमने लिख दिया ई, छोटी से इमली, फिर उसके बाद बड़ी से ई खाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर उसके बाद छोटे उसे उल्लू, फिर उसके बाद बड़े उसे ऊन. राइट, बड़े उसे ऊन के बाद आएगा री से ऋषि, है ना, यहाँ पर नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पर लिख देंगे री से ऋषि. बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो बीच की थ्री लाइंस हैं ब्लू वाली उसके अंदर आपको लिखना है री से ऋषि. के बाद क्या लिखना है हमें, ए से एड़ी, यहाँ पर लिख देंगे ए से एड़ी. अब उसके बाद आई से ऐनक लिखा हुआ है, आई से ऐनक के बाद ओ से ओखली, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ से ओखली.
फिर औ से औरत, तो ये आ गया औ से औरत। फिर अंग से अंगूर, और अंग से अंगूर के बाद लास्ट में अह खाली। तो ये हो गए बच्चों हमारे स्वर, अ से अह तक के जो अक्षर हैं उनको बोलते हैं स्वर। अब कितने होते हैं ये एक बार काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसमें 13 स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं, ठीक है ना। अ से अह तक के जो अक्षर होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आते हैं हम, यहाँ पर दिया गया है व्यंजन, ठीक है। अब व्यंजन कौन कौन से अक्षर होते हैं, क से लेकर के अह तक के जो, ह से हल तक के जो अक्षर होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए इसमें भी हमें खाली जगह दी गई है, इनको भी हम फिल कर लेते हैं। तो क से कबूतर के बाद क्या आएगा, ख से खरगोश, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ख से खरगोश। उसके बाद ग से गमला, उसके बाद घ से घर, फिर अंग खाली आ गया यहाँ पे, है ना। फिर च से चम्मच, छ से छाता, फिर नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में ज से जहाज, फिर यहाँ पे झ से झंडा आपको दिया गया है। उसके बाद य खाली, फिर ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, उसके बाद ढ से ढक्कन, उसके बाद अण खाली, उसके बाद त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष। ध के ऊपर पूरी लाइन नहीं डालेंगे। न से नल, ध से धनुष के बाद न से नल। प से पतंग, अब प से पतंग के बाद फ से फल, ब से फल के बाद ब से बकरी, ब से बकरी के बाद भ से भालू, म से मछली। भ के ऊपर भी हम पूरी लाइन नहीं डालेंगे, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वर्षा, श से शलजम, व से वर्षा के बाद श से शलजम, श से शलजम के बाद श से षटकोण, श से षटकोण के बाद स से सपेरा, और लास्ट में आ गया ह से हल। तो ये हो गए हमारे व्यंजन, क से लेकर के ह तक के जो अक्षर थे वो थे व्यंजन, राइट। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिलाकर बनाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, और लास्ट में श्र से श्रमिक, राइट। ये जो फोर अक्षर होते हैं इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना। छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक, ये हैं संयुक्त व्यंजन। और अतिरिक्त वर्ण में एक तो होता है ढ और एक होता है ड। जब ड से डमरू के नीचे बिंदी लगती है तो बन जाता है ण, और ढ से ढक्कन के नीचे बिंदी लगती है तो बन जाता है ढ। तो ये दोनों अतिरिक्त वर्ण होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमने अपनी राइटिंग बुक में पेज नंबर 2 पर वर्णमाला कंप्लीट करी है, जिसमें हमने स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त वर्ण अपनी बुक में हमने लिखे हैं। तो आप भी अपनी हिंदी राइटिंग की बुक में पेज नंबर 2 पर इस एक्सरसाइज को साफ साफ हैंड राइटिंग में कंप्लीट करेंगे, राइट। और अब चलते हैं आपके सेकेंड वर्क पे मैथ्स में। एंड नाउ
वी आर ऑन योर मैथ्स नोटबुक एंड आर टूडेज टॉपिक इज रिविजन ऑफ काउंटिंग 1 to 50। तो बच्चों अब हम आपकी मैथ्स की नोटबुक पर हैं और आज का हमारा टॉपिक है 1 से लेके 50 तक की काउंटिंग का रिविजन। आपने अपनी पिछली जूनियर केजी की क्लास में 1 से लेके 100 तक काउंटिंग की है ना, तो अब हम उससे आगे बढ़ने से पहले एक बार उसका रिविजन करेंगे। तो आज हम पहले 1 से लेके 50 तक की काउंटिंग का रिविजन करेंगे। तो ये आपको 1 से लेके 50 तक की काउंटिंग अपनी सीनियर केजी की न्यू नोटबुक में करना है मैथ्स की, ठीक है ना। जो आप मैथ्स की न्यू नोटबुक बनाएंगे उसमें आपको ये काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग लिखने से पहले आपको ऊपर हेडिंग डालनी होगी। अब ये हेडिंग आप अपने आप से डालेंगे, आपके पेरेंट्स नहीं डालेंगे, ठीक है ना। आपको कैपिटल लेटर भी आते हैं और स्मॉल लेटर भी आते हैं, तो आपको ऐसे इसको लिखना है COUNTING, काउंटिंग 1 TO 2 और 50। इसका मतलब है कि काउंटिंग 1 से लेके 50 तक। उसके बाद हमें नीचे टेंस और वंस लिखना है, ठीक है ना। टेंस, टी का मतलब टेंस और ओ का मतलब वंस। तो 1 से लेके 50 तक की काउंटिंग के लिए हमें कितनी बार टेंस वंस लिखना पड़ेगा, एक बार काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5। 5 टाइम्स हमें टेंस और वंस लिखना पड़ेगा, है ना। पहली लाइन में हमारा 10 तक की काउंटिंग आएगी, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50। तो 5 बार हमें इस तरीके से टेंस और वंस लिखना होगा एक एक बॉक्स छोड़ के। उसके बाद हम अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ के नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में 1, 0, 10। उसके बाद 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, 2, 0, 20। उसके बाद 2, 1, 21, 2, 2, 22, 2, 3, 23, 2, 4, 24, 2, 5, 25, 2, 6, 26, 2, 7, 27, 2, 8, 28, 2, 9, 29, 3, 0, 30, 3, 1, 31, 3, 2, 32, 3, 3, 33, 3, 4, 34, 3, 5, 35, 3, 6, 36, 3, 7, 37, 3, 8, 38, 3, 9, 39, 4, 0, 40, राइट। उसके बाद 4, 1, 41, 4, 2, 42, 4, 3, 43, 4, 4, 44, 4, 5, 45, 4, 6, 46, 4, 7, 47, 4, 8, 48, 4, 9, 49 और लास्ट में 5, 0, 50, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हो गई हमारी 1 से 50 तक की काउंटिंग। तो आपको अपनी न्यू सीनियर केजी की मैथ्स की नोटबुक में ये काउंटिंग लिखनी है 1 से लेके 50 तक, राइट। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ऊपर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, उसके बाद टेंस और वंस लिखेंगे इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर आपको 1 से लेके 50 तक काउंटिंग लिखनी है साफ साफ हैंड राइटिंग में, राइट।
राइट। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड गुड डे। आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।